स्टार्टिंग दी सॉल्ट एनालिसिस। ठीक है, बेसिकली सॉल्ट एनालिसिस में जो है वो दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज क्वालिटेटिव एंड सेकंड वन इज क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव पार्ट का मतलब क्या है कि आप क्वालिटी पता लगाओगे। क्वालिटी में मतलब वो सॉल्ट कटायन और अनायन किसका बना, जैसे NaCl में कटायन Na पॉजिटिव है और अनायन Cl नेगेटिव आयन। तो आपके पास जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है उसमें हम क्वालिटी का पता लगाते हैं। क्वालिटी मीन्स कि वो जो आपका सॉल्ट है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना है, और क्वांटिटेटिव में क्वांटिटी पता लगाते हैं कि जैसे आपका जो सॉल्ट है ठीक है उसमें Na की परसेंटेज कितनी है और Cl की परसेंटेज कितनी है। क्योंकि जरूरी थोड़ी ना NaCl का यही हो सकता है उसमें कोई स्टॉइकोमेट्रिक डिफेक्ट हो और वो उसका फॉर्मूला ये बनता हो। ओके, वो अलग चीज है, वो क्वालिटेटिव एनालिसिस में कवर होती है। ठीक, और एक क्वालिटेटिव एनालिसिस में आपने सॉल्ट एनालिसिस करी हुई है। ठीक है, सॉल्ट एनालिसिस में आप कहते हो जिसमें होता है कि एसिडिक और बेसिक रेडिकल डिटेक्ट करो, एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल डिटेक्ट करने होते हैं। ठीक, एसिडिक रेडिकल किसको बोलते हैं और बेसिक रेडिकल किसको बोलते हैं। एसिडिक रेडिकल मतलब जो एसिड से आया हो और बेसिक रेडिकल मतलब जो बेस से आया हो। ठीक है, तो आपके पास जैसे आपको याद है कि सॉल्ट फॉर्मेशन कैसे होती है। हम मानते हैं कि सॉल्ट इज फॉर्म्ड व्हेन बेस न्यूट्रलाइज्ड विद एसिड, इट विल गिव सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, सॉल्ट में जो कटायन है ना वो कहाँ से आया, बेस से। तो जो कटायन होता है उसी को बेसिक रेडिकल बोलते हैं। ओके, और जो अनायन है वो कहाँ से आया, Cl नेगेटिव आयन, वो आया HCl से। ठीक है, तो Cl नेगेटिव आयन जो है वो क्या हुआ, वो एसिडिक रेडिकल, एनायन इज एसिडिक रेडिकल। ठीक है, तो किसी सॉल्ट में उसके बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल को पता लगाना ही क्वालिटेटिव एनालिसिस का पार्ट होता है। ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम करते क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम जो भी सॉल्ट लेते हैं, मान लो आपके पास कोई अननोन सॉल्ट सैंपल मिल गया आपको, ठीक है, उस सॉल्ट को कुछ एक टेस्ट करवा के पता लगाते हैं कि उसमें कौन सा कटायन है, मतलब कौन सा बेसिक रेडिकल है और कौन सा एसिडिक रेडिकल है, कौन सा एनायन है। ठीक है, और वो टेस्ट का सीक्वेंस क्या होएगा, प्रिलिमिनरी टेस्ट पहले करते हैं हम। प्रिलिमिनरी में हमें क्या पता लगता है, जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है वो हमें बता देते हैं कि कौन सा टेंटेटिव हो सकता है। जैसे अगर देखा जाए तो हमारे पास कई सारे कटायंस हैं, जैसे Na पॉजिटिव है, Ke पॉजिटिव है, कैल्शियम प्लस टू है, Mg प्लस टू है। अगर सभी के लिए स्टार्टिंग में टेस्ट करने बैठे तो फिर तो हो गया काम, फिर तो एक सॉल्ट ही डिटेक्ट करते करते मैं कहता हूँ महीना लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट करने होते हैं। प्रिलिमिनरी टेस्ट में हमने क्या करना होता है, सिंपल से छोटे छोटे टेस्ट करने होते हैं जिससे हमें टेंटेटिव आइडिया मिलना शुरू हो सकता है, हो जाता है। जैसे हमें लगना शुरू हो जाता है कि यार ये सारा ये जो सॉल्ट है, प्रिलिमिनरी टेस्ट करने के बाद मेरे पास कंक्लूजन दिमाग में आ रही है कि इस सॉल्ट में या तो कैल्शियम प्लस टू आयन है या तो मैग्नीशियम प्लस टू आयन है। क्योंकि जितने भी ऑब्जर्वेशन आ रही हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट टेस्ट में, ठीक है, ये हमें बता रही है कि इन दोनों में से कोई है। फिर हम इन दोनों के लिए कॉन्फर्मेटरी करके देख लेते हैं, और जो कॉन्फर्मेटरी टेस्ट होते हैं उनको बोलते हैं वेट टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट करने होते हैं। हर प्रिलिमिनरी टेस्ट की अपनी कोई थ्योरी है और वो थ्योरी में कुछ ना कुछ रिएक्शन इन्वॉल्व होगा, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसलिए आपने वो रिएक्शंस जो हैं जहां पे इंपॉर्टेंट रिएक्शन था वो आपने नोट कर लेनी है। मतलब आपको मैं वैसे PDF भेज दूंगा बट फिर भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि कौन सा टेस्ट कैसे होते। ठीक है जी, तो हमारा सीक्वेंस होता है प्रिलिमिनरी टेस्ट, उसके बाद वेट टेस्ट फॉर एसिड रेडिकल, इसमें हम एसिडिक रेडिकल की कॉन्फर्मेशन करते हैं, और उसके बाद होता है वेट टेस्ट फॉर बेसिक रेडिकल, इसमें हम बेसिक रेडिकल की कंफर्मेशन करते हैं। ठीक है, नाउ सबसे पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट में आपके पास कौन कौन से टेस्ट करने होते हैं, ये 10 तरह के टेस्ट हैं। कौन कौन से, फिजिकल अपेयरेंस, उसका रंग रूप शक्ल सूरत देख के बताना कि कौन सा टेंटेटिव हो सकता है। ड्राई हीटिंग टेस्ट, चारकोल कैविटी टेस्ट, चारकोल कैविटी टेस्ट एंड उसके बाद कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट, ठीक है, फ्लेम टेस्ट, बोरेक्स बी टेस्ट, डाइल्यूट एसिड टेस्ट, पोटाशियम परमैंगनेट टेस्ट, कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट एंड टेस्ट फॉर सल्फेट एंड फॉस्फेट एंड बोरेट्स। ठीक है, ये सारे टेस्ट कहीं ना कहीं आपने वैसे थ्योरी में पढ़े हुए हैं पहले भी, ये नहीं कि हम इनको पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपने केमिस्ट्री में जैसे P ब्लॉक में
कहीं ना कहीं जैसे प्लस वन के पी ब्लॉक में हमने कौन सा टेस्ट पढ़ा था, ये बोरेक्स बी टेस्ट, क्योंकि जो बोरेक्स में बोरोन होता है वो पी ब्लॉक का मेंबर है ना, तो ये बोरेक्स बी टेस्ट हमने पी ब्लॉक में पढ़ा हुआ है प्लस वन वाले, ठीक है। फ्लेम टेस्ट ये हमने एस ब्लॉक में पढ़ा हुआ है, ओके। चलो अब इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट में सबसे पहला टेस्ट कौन सा होता है, फिजिकल अपीयरेंस टेस्ट, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन में आप क्या क्या नोट कर सकते हो, कलर, स्मेल, डेंसिटी, डेलिक्वेंस, ठीक है। कलर में जैसे आपको पता है, ये तो टेंथ से हम सुनते आ रहे हैं कि कॉपर के जितने भी सॉल्ट हैं दे ऑल आर ब्लू इन कलर, ठीक है। एफ ई प्लस टू के जितने जो सॉल्ट होते हैं वो लाइट ग्रीन कलर के होते हैं या उनके सोल्यूशन लाइट ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। तो कलर से भी कुछ एक आइडिया लगना शुरू हो जाता है, जिससे हमारी जो स्टडी है वो नैरो डाउन होनी शुरू हो जाती है। नैरो डाउन का मतलब, वैसे तो आपके पास कई सारी ऑप्शंस हैं, कई सारे कैटायंस हैं, कई सारे नायन हैं जो हो सकते हैं, फिर धीरे धीरे आपके दिमाग में आना शुरू हो जाता है कि यार अच्छा नहीं 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 ये पक्का यही वाला है, मेरे को लग रहा है, अगला टेस्ट करके देखता हूँ उसमें फिर और पक्का हो रहा है कि यार हाँ हाँ नहीं पक्का वही है। तो ऐसे जैसे कलर में अगर आपका ब्लू या ब्लूइश ग्रीन है तो कॉपर प्लस टू, मतलब जो बेसिक रेडिकल है वो कॉपर प्लस टू हो सकता है। अगर लाइट ग्रीन है तो एफ ई प्लस टू, अगर डार्क ब्राउन है तो एफ ई प्लस थ्री, अगर ग्रीन है तो निकल प्लस टू, अगर पिंक है तो कोबाल्ट प्लस टू, अगर लाइट पिंक है, फ्लैश कलर है या अर्थी कलर्स हैं तो एम एन प्लस टू के सॉल्ट हो सकता है, ठीक। और अगर व्हाइट सॉल्ट है तो जितने भी कलर्ड वाले हैं ये एबसेंट है, ठीक है। जैसे व्हाइट सॉल्ट कौन कौन बनाता है, एन ए पॉजिटिव, के पॉजिटिव, ठीक है, कैल्शियम प्लस टू, मैग्नीशियम प्लस टू, जितने भी एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनके जो कटायन है वो कलरलेस ही होते हैं क्योंकि उनमें डी डी ट्रांजिशंस नहीं होती, ओके। तो व्हाइट में हम ये नहीं बोलते कि ये वाले प्रेजेंट हो सकते हैं, व्हाइट में हम ये बोलते हैं कि ये वाले मे बी एबसेंट हो सकते हैं, जो कलर शो करने वाले हैं वो तो नहीं हो सकते, हो भी सकते हैं, हो सकता है कि आपके जैसे मान लो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड ये आपका ब्लू कलर का होता है ना, बट इसको अगर एनहाइड्रस बना दिया जाए हीट करके तो ये तो व्हाइट कलर का ही होता है। तो इसलिए अभी सीधे पहले कलर से ही नहीं फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचना कि कॉपर एब्सेंट ही है, ठीक है, मतलब पहले थोड़ा बहुत आइडिया लगना शुरू हो जाता है, ये नहीं है कि हम सीधा फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे। तो इन्फ्रेंस में दीज मे बी एब्सेंट, यहाँ पे मेल वर्ड यूज करना है मे, ओके, क्योंकि हो सकता है कि कॉपर सल्फेट आपको एनहाइड्रस दिया हो फिर तो वो व्हाइट ही होगा देखने में, ओके। नाउ नेक्स्ट इज स्मेल, स्मेल में फिर देख लेते हैं कि कैसी स्मेल है, ठीक, अमोनिकल स्मेल है तो हो सकता है अमोनियम का टैन प्रेजेंट हो, विनेगर जैसी है तो एसिटेट आयन हो सकता है, अगर रोटन एग जैसी स्मेल है तो सल्फाइड आयन हो सकता है। डेंसिटी, अगर आपको सॉल्ट ज्यादा हैवी लग रहा हैवी मतलब जब आप उठा रहे हो छोटी सी क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट ही बहुत ज्यादा हैवी है तो इट मीन्स वो लेड या बेरियम का सॉल्ट होगा। अगर फ्लफी है जैसे पाउडर होता है हमारा टेलकम पाउडर तो वो कार्बोनेट्स हो सकते हैं, कार्बोनेट मतलब CO3 2 नेगेटिव। उसके बाद जो सॉल्ट है उसकी डी लिक्विसेंस चेक कर सकते हो आप, डी लिक्विसेंस में चेक करने में क्या होता है, सॉल्ट लो उसको छोड़ दो एटमॉस्फेयर में, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहा है कि नहीं, अगर मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके पेस्ट जैसा बन जाए तो आपके पास कुछ एक सॉल्ट है जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके पेस्ट जैसे बन जाते हैं उनके लिए ये है, ठीक है, क्लियर। जब सबसे पहले आपने उसका रंग रूप स्मेल वगैरह देख ली उसके बाद आपके पास आता है नेक्स्ट ड्राई हीटिंग टेस्ट। ड्राई हीटिंग टेस्ट में क्या करना होता है, सॉल्ट लो, ठीक है, उसको टेस्ट ट्यूब में डाल के बस उसमें कुछ नहीं डालना, उसको हीट कर दो, ठीक है। हीट करने के बाद आप क्या क्या नोट करोगे, आप देखोगे कि गैस कौन सी इवॉल्व हो रही है, ठीक है, और आप देखोगे सब्लिमेट फॉर्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। सब्लिमेट का मतलब होता है टेस्ट ट्यूब की वॉल्स पे सॉलिड लग रहा है कोई गर्म करने के बाद, ठीक है। उसके बाद आप स्वेलिंग चेक करते हो, रेजिड्यू चेक करते हो, डेक्रिपिटेशन चेक करते हो, ठीक है, ये सारे आप ड्राई हीटिंग टेस्ट में चेक करते हो। अब इनका देखते हैं वन बाय वन। गैस इवॉल्व में अगर आपके पास कलरलेस गैस इवॉल्व हो रही है एंड ऑर्डरलेस गैस इवॉल्व हो रही है, ना कलर है ना ऑर्डर है, तो हो सकता है वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कब इवॉल्व होती है, जब आपका जो सॉल्ट है उसमें कार्बोनेट आयन प्रेजेंट हो, कार्बोनेट आयन प्रेजेंट हो या तो ऑक्सालेट आयन प्रेजेंट हो, क्योंकि जो ऑक्सालेट आयन होता है, ठीक है, इसकी भी जब ड्राई हीटिंग करोगे डिकम्पोजिशन की वजह से डिकम्पोज होके ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है,
ठीक है, क्लियर। अगर कलरलेस गैस हो बट उसकी कुछ ऑर्डर हो, तो कलरलेस गैसेस विदाउट, सॉरी कलरलेस गैसेस विद ऑर्डर जो है इनमें से कोई हो सकती है, जैसे वो H2S हो सकती है, सल्फर डाइऑक्साइड हो सकती है, HCl हो सकती है, एसिटिक एसिड वेपर हो सकती है, और अमोनिया गैस हो सकती है। जो H2S गैस है उसकी स्मेल रोटन एग्स जैसी होती है, ठीक है, और ये वाली जो गैस है वो लेड एसिटेट पेपर को ब्लैक कर्मर कर देगी। लेड एसिटेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbCH3COO2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लेड एसिटेट। तो जब H2S गैस इसके साथ रिएक्ट करेगी, ऐसा पेपर जिसके ऊपर लेड एसिटेट लगा हुआ है, तो होगा क्या, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ लेड सल्फाइड, और जो लेड सल्फाइड है वो ब्लैक कलर का होता है। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि जो आपका सॉल्ट है उससे H2S गैस प्रोड्यूस हुई है, और H2S गैस कब प्रोड्यूस होती है, जब आपके पास सल्फाइड हो सॉल्ट में। बट हालांकि यहाँ पे पक्का नहीं हो रहा, पक्का हम कंफर्मेटरी टेस्ट में करेंगे, जिनको वेट टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का कैसे पता लगता है, इसकी बर्निंग सल्फर जैसी स्मेल होती है, जैसे पटाखे तलने के बाद स्मेल आती है, ठीक है, और ये एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट पेपर को ग्रीन कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ जब सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है, ये रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम सल्फेट, और ये जो क्रोमियम सल्फेट बनता है दैट इज ग्रीन कलर। ये जो रिएक्शन आ रहे हैं मेन मेन, ये आपको याद होने चाहिए, इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, क्लियर। HCl गैस, अगर आपके पास HCl गैस बन रही होगी तो इसका टेस्ट कैसे करोगे, जो गैस निकल रही है, ठीक है, उसके पास क्या करो, एक रॉड लेके जाओ जिसको आपने अमोनिया में डिप किया हो, ठीक है। आपको पता है जो अमोनिया है वो HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, और जो अमोनियम क्लोराइड है वो डेंस वाइट फ्यूम जैसा आपको दिख जाएगा, डेंस वाइट फ्यूम्स दिखेंगे इसको, ठीक है, रॉड के इर्द गिर्द बनते हुए, जैसे वो ग्लास टच, जैसे वो गैस उसको टच करेगी। तो इसका मतलब क्या है, HCl गैस बनी है ड्यूरिंग द ड्राई हीटिंग टेस्ट, और HCl गैस कब बनेगी, जब आपके पास सॉल्ट में क्लोराइड आयन प्रेजेंट होगा। सिमिलरली हो सकता है कि आपके सॉल्ट में से एसिटिक एसिड के वेपर निकल रही हो, ठीक, इसका मतलब है एसिटेट आयन हो सकता है। हो सकता है कि आपका सॉल्ट जो है वो अमोनियम, उसमें अमोनियम आयन हो, ठीक, तो जो अमोनियम आयन है इसकी तो स्मेल ही वैसे लाइक अमोनिया होती है, क्योंकि अमोनियम आयन से अमोनिया प्रोड्यूस होता है, ठीक, और ये नेचुरल सोल्यूशन को ब्राउन में कन्वर्ट कर देगी। ये जो नेचुरल सोल्यूशन है ये आपका होमवर्क है, आपने पता करना है कि क्या होता है ये नेचुरल सोल्यूशन, ओके, वैसे आगे शायद आ ही जाएगा ये, ठीक, इसकी कॉन्फर्मेटरी में भी। अब नेक्स्ट है आपके पास गैस का कलर, हो सकता है कि आपके पास कलर्ड गैस हो, ठीक है, तो गैस का कलर अगर आपका ब्राउन है, आपको पता है ब्राउन कलर की गैस कौन सी होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कब बनती है, जब आपके पास नाइट्राइट या नाइट्रेट आयन हो। हो सकता है आपकी ग्रीनिश येलो कलर की गैस हो तो वो क्लोरीन है, ठीक, हो सकता है आपकी, वैसे क्लोरीन का कई बार पता नहीं लगता हमें, कई बार ये वाइट ही लगती है, इसलिए तो ये HCl गैस वाला टेस्ट भी करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपकी जो गैस है वो ब्रोमीन हो, ब्रोमीन के वेपर्स हो, और आपको पता है ये ब्रोमीन जो है वो रेडिश ब्राउन कलर की होती है। हो सकता है कि आपके पास आयोडीन के वेपर निकल रहे हों, ठीक है, और जो आयोडीन के वेपर हैं वो तो सब्लिमेट भी शो कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है आयोडीन सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, तो जब आपके सॉल्ट हीट किया तो आपके पास पर्पल कलर के वेपर निकले, और उनमें से कुछ वेपर जो है वो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब की वॉल्स पे आके लग जाएंगे सॉलिड की तरह, तो आपको पता लग जाएगा कि ये आयोडीन था, ठीक है। ओह सॉरी, वेट अ मिनट, ओके, तो आपके पास क्या है, आयोडीन के लिए ये टेस्ट है। आयोडीन के लिए वैसे तो कलर से ही पता लग जाता है कि डार्क वायलेट कलर बन रहा है, इट मींस आयोडीन के वेपर है, बट अगर आप उन वेपर के पास स्टार्च पेपर लेके जाओगे, स्टार्च पेपर आपको मिल जाता है लेबोरेटरी में, स्टार्च पेपर लेके जाओगे तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आयोडीन जो है वो स्टार्च के साथ ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। बेसिकली जो आयोडीन गैस है वो स्टार्च का, स्टार्च में क्या होता है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं, ग्लूकोज का पॉलीमर है ना स्टार्च, ठीक है, तो होता क्या है, आयोडीन जब उनके अंदर एंट्रैप हो जाता है तो वो उस पेपर को ब्लू कलर इम्पार्ट कर देता है, ठीक, और ब्रोमीन वेपर के लिए भी ऐसा ही है, टर्न्स स्टार्च पेपर ऑरेंज येलो। चलो नेक्स्ट है आपके पास सब्लिमेट फॉर्म, अगर व्हाइट कलर के सब्लिमेट बन रहे हैं, सब्लिमेट का मतलब जो टेस्ट ट्यूब के ऊपर ये सॉलिड सा जमना है यहाँ पे,
उसकी ओपनिंग के पास। तो अगर व्हाइट कलर के सप्लीमेंट है, इसका मतलब वो पक्का अमोनियम क्लोराइड की है। ओके, तो अमोनियम भी हो सकता है। और अगर ब्लैक सप्लीमेंट, ब्लैक ब्लैक नहीं होंगे, मतलब वाइट वायलेट कलर होंगे, वायलेट कलर का होगा वो, बात अलग है कि वायलेट कई बार डार्क वायलेट कई बार ब्लैक का पेयर होता है, तो इसका मतलब है वो आयोडीन है। ओके, डेक्रिपिटेशन, द सॉल्ट डेक्रिपिटेट्स, क्या मतलब हुआ? क्रैकलिंग साउंड के साथ बर्न होना, मतलब वो जो जैसे वो चलते नहीं चुटपुट से पटाखे चलते हैं, वैसी आवाज आना, क्रैकलिंग साउंड वाली। सॉल्ट हैविंग नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मे बी प्रेजेंट, इसका मतलब ये होता है कि ऐसा सॉल्ट है जो जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, अगर डेक्रिपिटेशन ना हो। ठीक है, स्वेलिंग, अगर आपका जो सॉल्ट है वो स्वेल कर जाए हीट करने पे, तो वो फॉस्फेट को इंडिकेट करता है। अब गैस जो निकल रही है उसको तो आपने देख लिया, ठीक है, सॉल्ट कैसे जल रहा है वो भी देख लिया, तो जलाने के बाद यहाँ पे जो रेजिड्यू बचा है, जो बच गया है, उसका कलर कैसा है, उससे भी हमें कई सारी इंफॉर्मेशन पता लगती है। अगर जो आपका रेजिड्यू बच रहा है वो येलो वेन हॉट है और व्हाइट वेन कोल्ड है, इट मीन्स जिंक +2 आयन को इंडिकेट कर रहा है वो। अगर ब्राउन वेन हॉट है और येलो वेन कोल्ड है, तो वो Pb+2 आयन को इंडिकेट कर रहा है। व्हाइट सॉल्ट बिकम ब्लैक ऑन हीटिंग, ऐसा सॉल्ट था जो था व्हाइट बट उसको जब हीट किया गया वो ब्लैक में कन्वर्ट हो गया, इट मींस वो एसीटेट आयन है। व्हाइट रेजिड्यू ग्लोज ऑन हीटिंग, व्हाइट रेजिड्यू है जो हीटिंग करने पे ग्लो करता है, तो बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनमें से कोई प्रेजेंट होएगा। ओरिजिनल सॉल्ट ब्लू बिकम व्हाइट ऑन हीटिंग, ये क्या है, ये कॉपर सल्फेट ही है, पक्का हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट था वो। कलर्ड सॉल्ट बिकम्स ब्राउन और ब्लैक ऑन हीटिंग, इट मीन्स कोबाल्ट, कॉपर और Mn+2 को इंडिकेट करता है। तो इट मीन्स ऐसे आप रेजिड्यू देख के भी कई सारी इंफॉर्मेशन पता लगाते हो, और पेपर में जैसे कई बार आता है ना, जैसे आपके कॉम्पिटिशन के पेपर में आ जाता है ये, ठीक, कि आपके पास ये फलाना फलाना सॉल्ट है, जब इसको हीट किया, ठीक है, हीट करने पे आपने ऑब्जर्व किया कि जो सॉल्ट का रेजिड्यू बचता है वो ब्राउन वेन हॉट है और येलो वेन कोल्ड है, तो आगे और थोड़ी स्टेटमेंट दी होती है, तो बताओ फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट क्या है। तो आपको ये वाली जो ऑब्जर्वेशन दी, इसका मतलब क्या है, ये Pb+2 के लिए बताया ना उन्होंने, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जो सॉल्ट है वो Pb+2 का ही है, तो जो ऑप्शन में Pb+2 वाले हैं उन पे आपका ध्यान जाएगा। क्लियर, तो ये था आपके पास कौन सा ड्राई हीटिंग टेस्ट। ये सेकेंड नंबर पे करते हैं हम, सबसे पहले हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, सेकेंड नंबर पे हम करते हैं ड्राई हीटिंग टेस्ट, उसके बाद हमारे पास आ जाता है चारकोल कैविटी टेस्ट। ठीक है, और ड्राई हीटिंग टेस्ट में जो आपके पास गैस निकल रही है उस गैस को एनालाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो है रिएजेंट ट्यूब है, तो ये इसमें रिएजेंट डाल के रख देते हैं, तो जो गैस निकलेगी वो रिएजेंट के थ्रू, सॉरी वो यहां से निकल के रिएजेंट से रिएक्ट करेगी, और अगर कोई ऑब्जर्वेशन आनी होगी, जैसे लाइम वाटर इसमें रख दिया और यहां से गैस निकल रही है लेटस से कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और लाइम वाटर को क्या कर देगी, मिल्की। ठीक है, तो मतलब ये जो रिएजेंट वाले टेस्ट हैं, जैसे हमने बताया था ना, ये रिएजेंट वाले टेस्ट कैसे होते हैं, वो इस रिएजेंट ट्यूब की हेल्प से होते हैं। और ये रही जिसमें आपने सॉल्ट को डाल के हीट करना है, यहाँ पे लिक्विड दिखाया हुआ है बट हम क्या करते हैं, वो सॉलिड सॉल्ट ही लेके उसको हीट कर देते हैं। नेक्स्ट है चारकोल कैविटी टेस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज चारकोल कैविटी टेस्ट। ठीक है, चारकोल कैविटी, इसमें सबसे पहला काम हमने क्या करना होता है, एक चारकोल का ब्लॉक लेके उसमें एक कैविटी बना देनी है, ठीक है, और उसमें हमने कुछ पुट करना है। अभी क्या पुट करना है अभी बताता हूँ, इसकी पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट मेटेलिक कार्बोनेट्स व्हेन हीटेड इन चारकोल कैविटी, जब हम मेटेलिक कार्बोनेट को चारकोल कैविटी में हीट करेंगे, डिकम्पोजेस टू गिव कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स, वो क्या करेंगे, वो डिकम्पोज हो जाएंगे और क्या करेंगे, ऑक्साइड बना देंगे। ठीक, दी ऑक्साइड अपेयर एज कलर्ड इनक्रस्टेशन और रेजिड्यू इन दी कैविटी, इन सर्टन केसेस दी ऑक्साइड फॉर्म्ड पार्शली अंडरगो रिडक्शन टू दी मेटेलिक स्टेट एंड प्रोड्यूस मेटेलिक बीड और स्केल्स। ठीक है, जैसे आपके पास क्या है, एक मिनट रुको जरा यार,
इसके केस में आपके पास क्या हो रहा है, जिंक सल्फेट जैसे मान लो आपका सॉल्ट था, उसको सोडियम कार्बोनेट के साथ आपने मिक्स करके हीट किया, ठीक है। जो ये चारकोल कैविटी टेस्ट है, इसमें सॉल्ट, इसमें करते क्या है, सॉल्ट लेते हैं प्लस उसको सोडियम कार्बोनेट के साथ मिक्स करते हैं। जैसे मान लो आपने सॉल्ट ले लिया 1 ग्राम, तो जो सोडियम कार्बोनेट है वो 2 ग्राम लेना है, अबाउट डबल, ठीक है। मिक्स करके जो आपके पास बनेगा मिक्सचर, उसको चारकोल कैविटी में डालना है, उसके बाद उसको हीट करना, ठीक है। जैसे अगर आपका वो सॉल्ट जिंक सल्फेट हुआ, लेट अस से हम मानते हैं कि वो जिंक सल्फेट था, वो जिंक सल्फेट क्या करेगा, सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा, बनाएगा जिंक कार्बोनेट, ठीक है। और जब जिंक कार्बोनेट को फर्दर आप हीट करोगे तो उससे जिंक ऑक्साइड बनेगा, और जो जिंक ऑक्साइड है वो रेजिड्यू है जो उस कैविटी में बच जाएगा, ठीक है। और वो रेजिड्यू कैसा दिखेगा, येलो वेन हॉट एंड व्हाइट वेन कोल्ड, ठीक है। सिमिलरली अगर आपका लेड हुआ, लेट अस से लेड नाइट्रेट है आपका सॉल्ट, आपको वैसे पता नहीं है, लेट अस से एग्जांपल ले रही है, लेड नाइट्रेट है, तो लेड नाइट्रेट है वो सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा, जब उसको हीट करेंगे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ लेड कार्बोनेट, लेड कार्बोनेट जो है वो फर्दर डिकम्पोज होगा, जब उसको ऊपर हीट डालोगे तो गिव लेड ऑक्साइड, और लेड ऑक्साइड जो है कार्बन, ये कहां से आया, अब आप बोलोगे यहाँ पे क्यों नहीं रुके, यहाँ पे क्यों जा रहे हो, देखो कार्बन कहाँ से आया, आपका जो चारकोल का तो ब्लॉक है, और चारकोल क्या होती है, कार्बन, तो हो सकता है कि आपका जो लेड ऑक्साइड बने वो कार्बन से रिएक्ट करके लेड बना ले, और वो लेड जो है वो उसका एक बीड बन जाएगा, मेटल का बीड बन जाएगा, मतलब ठीक है, मेटल का एक मोती सा बन जाएगा, ओके। और अगर कॉपर हुआ तो कॉपर के केस में क्या होगा, रेडिश, जैसे इसमें भी यही, पहले कॉपर कार्बोनेट बनेगा, कॉपर कार्बोनेट को फर्दर हीट करने पे कॉपर ऑक्साइड बनेगा, और कॉपर ऑक्साइड को जब कार्बन से हीट करेंगे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ रेडिश रेडिश स्केल्स ऑफ कॉपर, मतलब इसकी लाइनिंग सी आपके पास वहां पे कैविटी में रह जाएंगी, ठीक। प्रोसीजर में जैसे मैंने पहले बता दिया, मिक्स स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट विद डबल इट्स क्वांटिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ओके ओके। तो इसके केस में क्या क्या आपके पास ऑब्जर्वेशन आती है, येलो वेन हॉट व्हाइट वेन कोल्ड, इट मीन, और मेटेलिक बीड नहीं बना, इट मीन जिंक प्लस टू, इन्फ्रेंस क्या निकली कि आपके सॉल्ट में जिंक प्लस टू प्रेजेंट था। उसके बाद ब्राउन वेन हॉट येलो वेन कोल्ड और ग्रेइश बीड बन रहा है, ओके, तो इट मीन लेड प्लस टू प्रेजेंट, ना हॉट पे कोई कलर नहीं है, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आपको आ रही है, ठीक है, कोल्ड पे भी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आई, ठीक है, बट आपने देखा कि रेड कलर का बीड बन गया या स्केल्स बन गए, इट मींस वो मेटल कॉपर मेटल बन गया है, ठीक है, तो इट मींस कॉपर प्लस टू प्रेजेंट था। व्हाइट रेजिड्यू विच ग्लोज, ऐसा रेजिड्यू हुआ जो ग्लो करता है व्हाइट कलर का ही है, ठीक है, और कोल्ड होने पे कोई ऑब्जर्वेशन नहीं, वो ऐसा ही रहा, व्हाइट ही रहा, और ना उसका कोई मेटालिक बीड बना, ओके। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ, इट मींस यहां से इन्फ्रेंस क्या निकलती है कि इनमें से कोई हो सकता है, क्लियर। और ब्लैक के केस में इसमें कोई हमें कुछ खास पता नहीं लगता, ओके। तो अगर आपके पास ब्लैक आ जाए रेजिड्यू और बाकी कोई भी ऑब्जर्वेशन ना आए, इट मींस आप कुछ भी सर्टेनली नहीं बता सकते चारकोल कैविटी टेस्ट से, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद होता है कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट, बट ये कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट तभी होता है जब जो आपके पास चारकोल कैविटी टेस्ट है उसमें व्हाइट रेजिड्यू बना हो एट द एंड। व्हाइट रेजिड्यू एट द एंड किसमें बना था, याद है, एक तो इनके केस में बना था व्हाइट रेजिड्यू, और एक एट द एंड व्हाइट रेजिड्यू बना था जिंक के केस में। दिस टेस्ट इज अप्लाइड टू दो सॉल्ट्स व्हिच लीव व्हाइट रेजिड्यू इन चारकोल कैविटी टेस्ट, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, कोबाल्ट नाइट्रेट जो है उसके साथ मिक्स कर देते, मतलब आपका जो चारकोल, ये जो रेजिड्यू बचा इस कैविटी में, उसके ऊपर कोबाल्ट नाइट्रेट डाल देंगे, ठीक है, उसके बाद फर्दर टेस्ट करेंगे। The test is based on the fact that cobalt nitrate decomposes on heating to give cobalt oxide. जो आपने cobalt nitrate डाला, जब उसको आप heat करोगे, it will give cobalt oxide. This combined with the metallic oxide. ये metallic oxide कहाँ से आया? जो आपका यहाँ पे white residue वाला बना हुआ ना, ये वाला। जैसे zinc है, zinc का white residue किसका बनता है? Zinc oxide की वजह से बनता है ना? ठीक है, तो वो जो कोबाल्ट ऑक्साइड है वो उस मेटल के ऑक्साइड से मिक्स कंबाइन कर जाएगा, ओके,
विच विल बी प्रेजेंट इन दी चारकोल कैविटी, जो चारकोल की कैविटी में प्रेजेंट होगा, ठीक, फॉर्मिंग अ कलर कंपाउंड। उससे क्या होगा, आपके पास एक कलर कंपाउंड बन जाएगा और उस कलर कंपाउंड का कलर देख के आप पता लगाओगे कि क्या था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जिंक के केस में क्या होता है, जिंक के केस में कैविटी में जिंक ऑक्साइड ऑलरेडी बना हुआ है, कोबाल्ट नाइट्रेट जब आपने डाला कैविटी के ऊपर, उसके बाद फिर उसको हीट किया उस कैविटी को, ठीक है, उस कैविटी में जो मिक्सचर बन गया उसको फर्दर हीट किया, जब फर्दर हीट किया तो जिंक ऑक्साइड और कोबाल्ट ऑक्साइड का एक कंपाउंड डबल सॉल्ट बन गया। ये जो डबल सॉल्ट है दैट इज ग्रीन इन कलर, इट मींस अगर आपके पास ऐसा हो जाए तो इट मींस वहां से क्या इन्फ्रेंस निकल के आती है, इन्फ्रेंस निकल के आती है कि आपके पास स्टार्टिंग में वो जो कैविटी है वो जिंक ऑक्साइड, मतलब वहां पे जिंक कंफर्म हो गया, वैसे तो यहीं पे कंफर्म हो गया था चारकोल कैविटी टेस्ट में, पर उससे और कंफर्मेशन पक्का हो गया कि जिंक ही है, ठीक है। अगर मैग्नीशियम सॉल्ट हो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और कोबाल्ट ऑक्साइड मिलके क्या बनाते हैं, ये वाला डबल सॉल्ट बनाते हैं जो कि पिंक कलर का होता है। अगर एल्यूमिनियम हो उस कैविटी में एल्यूमिनियम बचाओ तो कोबाल्ट ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलके क्या बनाते हैं, ये वाला डबल सॉल्ट जो कि ब्लू कलर का होता है, ठीक। इनफैक्ट ये जो कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट है, ये वाला जो कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट है ना, ये हमें कई बार अगर फॉस्फेट एज अ एसिड रेडिकल हो या बोरेट एज अ एसिड रेडिकल हो उसकी इंफॉर्मेशन भी दे देता है। कैसे दे देता है, वेट अ मिनट, इन एडिशन टू मेटेलिक ऑक्साइड फॉस्फेट्स एंड बोरेट्स ऑल्सो रिएक्ट विद कोबाल्ट ऑक्साइड टू फॉर्म कोबाल्ट फॉस्फेट एंड कोबाल्ट बोरेट विच आर ब्लू इन कलर। मतलब अगर आप रेजिड्यू के ऊपर डाल रहे हो कोबाल्ट नाइट्रेट, जो रेजिड्यू वाइट था इन दी चारकोल कैविटी टेस्ट, उसके ऊपर जब आप कोबाल्ट नाइट्रेट डाल रहे हो, उस कोबाल्ट नाइट्रेट के डालने पे अगर आपके पास ब्लू कलर का कलरेशन आ रही है, इट मींस आपका कोबाल्ट फॉस्फेट या कोबाल्ट बोरेट बना है, और कोबाल्ट फॉस्फेट और कोबाल्ट बोरेट तभी बनेगा अगर आपके सॉल्ट में फॉस्फेट आयन हुआ या बोरेट आयन हुआ। तो इट मींस इसकी हेल्प से आप ये जो एसिडिक रेडिकल है उसका भी पता लगा सकते हो अगर वो फॉस्फेट या बोरेट में से कुछ हुआ तो, ठीक है। अब जैसे इसमें ये टेबल ग्रीन कलरेशन अगर आ रही है रेजिड्यू को कोबाल्ट नाइट्रेट डालने पे, तो इट मींस वो जिंक प्लस टू है, एसिड रेडिकल जो आपके सॉल्ट में वो जिंक प्लस टू, सॉरी बेसिक रेडिकल जिंक प्लस टू है। अगर पिंक कलरेशन आ रही है तो इट मींस आपका जो बेसिक रेडिकल है वो Mg प्लस टू है। अगर ब्लू कलरेशन आ रही है तो फॉस्फेट है या बोरेट है, ओके। बोरेट का फॉर्मूला BO3 नेगेटिव होता है, ओके। और अगर ब्लैक आ रही है, इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कोबाल्ट ऑक्साइड, वो तो बनना ही है क्योंकि कोबाल्ट नाइट्रेट आपने डाल दिया, कोबाल्ट नाइट्रेट को जब हीट करोगे तो उसकी डिकम्पोजिशन से कोबाल्ट ऑक्साइड तो बनना ही है, ठीक है। इससे आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, नो डेफिनेट इंडिकेशन इज देयर, ठीक है। तो इसको वैसे कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल कैविटी टेस्ट भी बोलते हैं। पहले चारकोल कैविटी टेस्ट होगा, अगर उसमें वाइट रेजिड्यू बचा, ठीक है, तो कोबाल्ट नाइट्रेट सोल्यूशन उस पर डाल के फिर ये टेस्ट करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि कैविटी में जो सोल्यूशन पड़ा उसको, कैविटी में जो मिक्सचर पड़ा उसको हीट कैसे करते हैं। ये आपने बर्नर लिया हुआ है, ठीक है, बर्नर पे ये जो येलो फ्लेम होती है ना, ठीक है, उस येलो फ्लेम को आपने ब्लो पाइप की हेल्प से यहां से फूंक मारनी है, ठीक है। उस ब्लो पाइप की हेल्प से क्या होगा, वो जो फ्लेम है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी और उस डिफ्लेक्टेड फ्लेम को आपने उस पर्टिकुलर कैविटी में जो मिक्सचर पड़ा उसके ऊपर डिफ्लेक्ट कर देना है, ठीक है। और येलो फ्लेम ही, ठीक है, येलो फ्लेम को ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम भी बोलते हैं। येलो फ्लेम में ही हीट करना है आपने ये सारा, ओके। चलो आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद इन इस टेस्ट को करवाने के बाद आप करते हो फ्लेम टेस्ट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके पास एल्कली और एल्कलाइन के लिए मेजरली किए जाते हैं। एक दो डी ब्लॉक वाले भी हैं जो ये वाला टेस्ट शो करते हैं, कौन कौन से हैं देख लेते हैं, जैसे जिंक और Mn+2, ये भी कर देते हैं शो, ठीक है। वैसे अदरवाइज ये अल्कली और अल्कलाइन के लिए ही होते हैं फ्लेम टेस्ट, ठीक है। तो चलो अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। फ्लेम टेस्ट में क्या करते हैं, कुछ नहीं करना आपने, आपने सॉल्ट लेना है, सॉल्ट लिया
उसको HCl के साथ थोड़ा सा HCl डाल के उसको मिक्स किया, उसकी पेस्ट सी बना ली, ठीक है। क्योंकि जो सॉल्ट है जब उसको HCl से मिक्स करोगे तो आपके पास सॉल्ट में जो भी कैटायन होगा, लेट अस से उसमें सोडियम है, तो सोडियम का क्लोराइड बन जाएगा। और जो मेटल के क्लोराइड्स होते हैं, स्पेशली जो एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल है, और कुछ एक डी ब्लॉक जैसे मैंने अभी बताया जिंक वगैरह, ठीक है, तो उनके केस में जो उनके क्लोराइड है वो वॉलेटाइल होते हैं। और साथ में इनके केस में जैसे सोडियम की बात करें, आपको पता ही है कि सोडियम के केस में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो लूजली टाइट लूजली पैक्ड होता है, ठीक है, तो उसकी एक्साइटेशन बड़ी इजिली हो जाती है, तो वो एक्साइटेशन करवाता है और जब वापस आता है तो जिस जो रेडिएशन उसने ली होती है उसको छोड़ता है, ठीक है। और जो रेडिएशन छोड़ता है उसका कलर जो है वो डिपेंड करता है कि एनर्जी गैप कितना था जिन दो ऑर्बिटल्स के बीच में ये ट्रांजिशन हुई है, और वो एनर्जी गैप डिपेंड करता है कि आपका सोडियम है, पोटाशियम है, बैरियम है, कैल्शियम है, कौन सा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे आप फ्लेम टेस्ट करवाते हो। फ्लेम टेस्ट में पहले आप सॉल्ट को HCl के साथ मिक्स करके उसकी वॉलेटाइल क्लोराइड वाली पेस्ट बनाते हो, उस पेस्ट को प्लेटिनम वायर की लूप के ऊपर लेके फ्लेम में हीट करते हो, ठीक है। जो वॉलेटाइल क्लोराइड्स हैं वो इवेपोरेट होते हैं पहले, उसके बाद उनमें जो मेटल प्रेजेंट है वो एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन करवाता है जिससे कलर प्रोड्यूस होता है, ठीक। और उस कलर को देख के आप पता लगाते हो कि आपका जो सॉल्ट है उसमें बेसिक रेडिकल कौन सा है, ठीक है। कलर ऑफ द फ्लेम, अगर आपका कलर ऑफ द फ्लेम, आपने फ्लेम को देखना होता है विद नेक डाई और थ्रू ब्लू ग्लास, ब्लू ग्लास आपको मिल जाता है, ब्लू कलर का होता है ग्लास ये। अगर आपने नेक डाई से उसका फ्लेम को देखा वो ब्रिक रेड की कलर की है, और जब थ्रू ब्लू ग्लास देख रहे हैं तो वो लाइट येलोइश ग्रीन कलर की है, तो यहां से इन्फ्रेंस क्या निकली, कैल्शियम प्लस टू आयन इज प्रेजेंट। अगर आपके पास विद नेक डाई क्रिम्सन रेड है और थ्रू ब्लू ग्लास जो है वो पर्पल है, तो इट मीन स्ट्रॉन्शियम प्लस टू प्रेजेंट है। अगर प्रसिस्टेंट ये क्या है, ग्रेजी ग्रीन, ठीक है, जैसे आपका एप्पल ग्रीन एप्पल आता है वैसा, ठीक है, वैसा है। और अगर आपके पास थ्रू ब्लू ग्लास ब्लूइश ग्रीन हो रहा है तो बेरियम प्लस टू आयन इज प्रेजेंट। अगर ब्राइट ब्लूइश ग्रीन है, ठीक, विद नेक डाई और थ्रू ब्लू ग्लास विजिबल है, ओके, मतलब कुछ वही सेम दिख रहा है, तो इट मीन्स कॉपर प्लस टू आयन प्रेजेंट है। अगर ग्रीन फ्लैशेज आ रही हैं तो इट मीन्स बीच फ्लैश में, बीच बीच में ग्रीन आना, तो इट मीन्स जिंक प्लस टू आयन और मैंगनीज प्लस टू आयन का सॉल्ट हो सकता है। अगर डल ब्लूइश व्हाइट है तो पीबी प्लस टू हो सकता है। अब आप बोलोगे सर इसमें सोडियम और पोटाशियम की तो बात ही नहीं करी आपने, ये भी तो देते हैं फ्लेम टेस्ट, क्योंकि सोडियम और पोटाशियम, ये प्रैक्टिकल से मैंने लिया हुआ है ये जो पीडीएफ है, सोडियम और पोटाशियम जो है वो आपके सिलेबस में नहीं होते, ये वाले सॉल्ट सॉल्ट एनालिसिस में, ठीक है। अदरवाइज अगर सोडियम और पोटाशियम की बात करें, सोडियम और पोटाशियम जो है वो गोल्डन येलो कलर इम्पार्ट करते हैं फ्लेम को, ठीक है, मतलब आपकी जो फ्लेम है, जो आपकी जो बंसन बर्नर की जो फ्लेम होती है, ये बर्नर है मान लेते हैं, ठीक है, उसकी जो फ्लेम होती है वो ब्लू कलर की होती है ना अंदर से, और बाहर से येलो कलर की होती है, ठीक है। जब उसको ब्लू कलर की फ्लेम में हीट करते हो तो वो उस ब्लू कलर की फ्लेम को गोल्डन कर देता है, अगर सोडियम और पोटाशियम हो, ठीक है। और इसमें जो ग्लास रॉड है उस पे भी तो सॉल्ट लेके आप हीट कर सकते थे, बंसन बर्नर की जो कैंडल है उसमें, जो फ्लेम है उसमें, क्यों नहीं करते, क्योंकि जो ग्लास है ग्लास में भी सोडियम प्रेजेंट होता है, तो हो सकता है कि वो ग्लास रॉड जो है उसकी वजह से भी आपको ये गोल्डन येलो कलर देखने को मिले। इसीलिए तो स्पेशली हमें प्लेटिनम वायर परचेज करनी पड़ती है फ्लेम टेस्ट के लिए, ठीक है। अगर ग्लास रॉड से ये कर दोगे, ये वाला टेस्ट करने की कोशिश करोगे, तो सोडियम और पोटाशियम वाली गलत इन्फ्रेंस आपको मिल सकती है, क्योंकि जो ग्लास रॉड है ग्लास बनाते टाइम उसमें सोडियम प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो उस सोडियम की वजह से भी गोल्डन कलर आ सकता है, आपको लगेगा कि आपके सॉल्ट में सोडियम प्रेजेंट है, ठीक है जी। और जो बाकी बच गए, ठीक है, उनके लिए कौन कौन सा कलर होता है, उसके लिए मैंने अभी आई थिंक टेलीग्राम में डाला भी था, ये टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक, तो उसमें से मैं दोबारा वो वाली पिक जो है वो आपको भेज दूंगा, वो नोट कर लेना आप कौन से के लिए कौन सा कलर आता है, इम्पोर्टेंट है ये, फ्लेम टेस्ट इज इम्पोर्टेंट वन। नेक्स्ट है बोरेक्स बीड टेस्ट।
नेक्स्ट है बोरेक्स बी टेस्ट, इसकी तो आपने प्लस वन में केमिस्ट्री पढ़ी थी सारी की सारी। दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड ओनली फॉर कलर सॉल्ट। याद रखना अगर आपको कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन में कभी भी दिखे कि इस सॉल्ट पे बोरेक्स बी टेस्ट करवाया, वो तभी करवाया होगा अगर सॉल्ट कलर्ड है, तो यहां से आपके दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि सॉल्ट जो है वो कलर्ड ही है। तो ऑप्शन में कलर्ड वाली ऑप्शन देखनी है, व्हाइट वाली देखनी भी नहीं। जो बोले के टाइम व्हाइट सॉल्ट बनाते हैं उनको देखना भी नहीं, ठीक है। दिस मतलब मोस्ट प्रोबेबली व्हाइट वाला नहीं होगा, ठीक है। जैसे आपके पास सोडियम है वो व्हाइट वाले सॉल्ट बनाता है, तो वो उसने तो बोरेक्स बी टेस्ट नहीं ना दिया होगा, तो अगर आपके पास ऑप्शन में सोडियम का कोई सॉल्ट है तो वो तो नेग्लेक्ट ही हो गया ना। दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड ओनली फॉर द कलर्ड सॉल्ट। इसमें हम करते क्या है, इसमें हम लेते हैं बोरेक्स पाउडर। बोरेक्स पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है ये, ठीक। अब कॉम्पिटिशन से लिंक जोड़ते हैं इसका। बोरेक्स का स्ट्रक्चर क्या होता है आपका होमवर्क, ठीक है। अगर नहीं मिले कहीं से तो टेलीग्राम पे जो नोट्स हैं प्लस वन के एस ब्लॉक के, नहीं प्लस वन के पी ब्लॉक के, वो देख लेना, उसमें बोरेक्स का मैंने स्ट्रक्चर बनाया होगा, ठीक है। जो बोरेक्स पाउडर है उसको जब हीट करते हो सबसे पहले वो अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज करता है, ठीक है। और जब फर्दर हीट करते हो तो ये जो एनहाइड्रस बना है इससे फिर बनता है बोरिक एसिड और सोडियम मेटाबोरेट, ठीक है। ये जो बोरिक एनहाइड्राइड है, ठीक है, सॉरी मैं बोरिक एसिड बोल गया आई थिंक पहले, इसको बोरिक एनहाइड्राइड बोलना था, सॉरी। बोरिक एनहाइड्राइड जो है ये नॉन वोलेटाइल है, मतलब ये तो वेपराइज होगा नहीं। और अब आपने क्या करना है इसको, सॉरी पहले मैं एक चीज भूल गया, बोरेक्स बी टेस्ट करवाते कैसे हैं, इसके लिए प्लेटिनम वायर लेते हैं, ठीक है। प्लेटिनम वायर लेके उसको करते हैं पहले अच्छी तरह से गर्म, ठीक है। उसके बाद साइड में हमने बोरेक्स पाउडर ले रखा होता है, उस गर्म गर्म वायर को हम क्या करते हैं बोरेक्स पाउडर में डिप कर देते हैं, ठीक है। जो बोरेक्स है वो थोड़ा बहुत लग जाता है गर्म वायर पे, और जैसे ही गर्म वायर पे लगता है वो अपनी डिकम्पोजिशन शुरू करवा के बोरिक एनहाइड्राइड और सोडियम मेटाबोरेट बना देते हैं उस वायर के ऊपर। उसके बाद ये जो वायर जिसके ऊपर वो लग चुका है, इस वायर को, लगी वायर को ही थोड़ा और गर्म करते हैं। फिर गर्म करने के बाद अब हमने सॉल्ट ले रखा होता साइड में, उस सॉल्ट में डिप कर देते हैं, ठीक है। उस सॉल्ट में डिप करने के बाद फिर थोड़ा सा हीट कर देते हैं फ्लेम में। उसके बाद हम नोट करते हैं ऑब्जर्वेशंस। जैसे अगर आपके पास ये जो बोरेक्स बी टेस्ट है इसको करवाते दौरान एंड में आपको दिख रहा है डीप ग्रीन कलर, वो क्यों आया, क्रोमियम की वजह से। क्योंकि क्रोमियम मेटाबोरेट का जो कलर होता है, एक्चुअल में जो सोडियम मेटाबोरेट बना ना ये वाला, ये वो वाले कैटायन जो बोरेक्स बी टेस्ट शो करते हैं उन कैटायन्स के साथ, जैसे आपके पास यहाँ पे क्रोमियम है, ठीक, उन कैटायन्स के साथ क्या करता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करवाता है। जैसे सोडियम बोरेट से सोडियम डिस्प्लेस होकर उसकी जगह क्रोमियम आ जाए तो होगा क्या, जो क्रोमियम बोरेट बनेगा, सॉरी क्रोमियम मेटाबोरेट बनेगा वो डीप ग्रीन कलर का होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर कॉपर हुआ तो कॉपर की वजह से जो कॉपर बोरेट बनेगा, मेटाबोरेट बनेगा, वो ब्लू कलर का होता है, ओके क्लियर। इसमें आगे दो ऑब्जर्वेशन और भी करवा सकते हो आप, क्या कौन सी करवा सकते हो, जैसे मैंने अभी बोला था ना प्लेटिनम वायर ली उसको बोरेक्स पाउडर में डिप किया फिर हीट किया, ठीक है, तो आपके पास बीड बना, बीड वाली वायर को फिर हीट करके फिर हमने सॉल्ट में डिप किया। सॉल्ट में डिप करने के बाद अब इस वायर के ऊपर सॉल्ट और बोरेक्स दोनों लगा हुआ है, बोरेक्स नहीं ये वाला डिकम्पोजिशन के बाद ये बन चुका था ना, ठीक। अब इस वायर में जो ये सॉल्ट लगी हुई वायर है इसको आप अगर फ्लेम के अंदर वाले पार्ट में इंट्रोड्यूस करोगे, ये ब्लू कलर का पार्ट होता है और ये ब्लू कलर के पार्ट को बोलते हैं रिड्यूसिंग फ्लेम, ठीक है। और जो फ्लेम का बाहर वाला पार्ट होता है ये होता है येलो कलर का, इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ठीक है। अगर आप उस प्लेटिनम वायर जिसके ऊपर सॉल्ट लगा है उसको सॉल्ट लगे लगे आप फ्लेम के अंदर डिप करोगे और इंसर्ट करोगे तब हो सकता है कलर कोई और आए आपके उस बीड को, और अगर बाहर इंसर्ट करोगे यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हीट करोगे तब हो सकता है कलर कुछ और आए, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, जैसे कॉपर के केस में बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है इसका। अगर आपका जो सॉल्ट है वो कॉपर वाला है तो अगर तो आपने उसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हीट किया, मतलब ये जो आउटर वाली फ्लेम है येलो वाली उसमें हीट किया,
तो आपके पास ब्लू कलरेशन आएगी उस बीड को, और उसी बीड को जो ब्लू कलर का हो चुका है अगर आप उसको अंदर ले जाओ कौन सी फ्लेम में, रिड्यूसिंग फ्लेम में, तब वो रेड ओपेक कलर का बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि रिड्यूसिंग फ्लेम क्या करती है, जो कॉपर है उसको रिड्यूस करके सीयू में कन्वर्ट कर देती है। और आपको पता ही है मेटालिक कॉपर का कलर कौन सा होता है, रेड। ओके ठीक, तो कलर ऑफ द बीड आपने नोट करना है बोरेक्स बीड टेस्ट में, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में और रिड्यूसिंग फ्लेम में। अगर भूल जाओ कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम किसको बोलते हैं, रिड्यूसिंग फ्लेम किसको बोलते हैं, तो फ्लेम में दो पार्ट आपको पता ही है, जो फ्लेम है उसमें दो पार्ट, अंदर वाली कैंडल जो है वो ब्लू कलर की और आउटर वाली येलो कलर की। ये फ्लेम देखी होगी कभी ना कभी लेबोरेटरी में, ठीक है। जो अंदर है उसको बोलते हैं इनर, जो बाहर है उसको बोलते हैं आउटर। आउटर स्टैंड फॉर बाहर वाली फ्लेम, और आउटर का ओ स्टैंड फॉर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। इट मीन्स जो बाहर वाली फ्लेम है वो ऑक्सीडाइजिंग होती है, जो अंदर वाली होती है वो रिड्यूसिंग होती है। मैंने ऐसे याद कर रखा है तो इसलिए मैं वो वाला मेथड आपको बता रहा हूँ, ठीक। अब दोबारा आओ वापस टेबल पे। कलर ऑफ द बीड, ग्रीन व्हेन हॉट, लाइट ब्लू व्हेन कोल्ड, कोल्ड जब उसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कलरलेस व्हेन हॉट, रिड्यूसिंग फ्लेम में क्या हो रहा है, जब वो हॉट होता है तो वो कलरलेस रिड्यूसिंग फ्लेम में। एंड ओपेक रेड व्हेन कोल्ड, तो कॉपर डस्ट को। येलोइश ब्राउन व्हेन हॉट, पेल येलो व्हेन कोल्ड, ग्रीन इन बोथ केसेस, हॉट एज वेल एज कोल्ड व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इन दी रिड्यूसिंग फ्लेम, इट मींस Fe+3 इज प्रेजेंट। और बाकियों के लिए भी ऐसे ही, ठीक है। ये एक बार पढ़ लेना, आज के लिए इतना ही है, फिर नेक्स्ट टाइम हम करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड रेडिकल। ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे।